वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वनस अगेन। आज का हमारा टॉपिक है जो रियल नंबर चैप्टर है हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10th का कंटिन्यू है। हमने चार क्वेश्चन किया तो अब पांचवा क्वेश्चन है और छठवा लेक्चर है इसका। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 9m+1 और 9m+8। हमें क्या है यूज़ करना है यूक्लिड डिवीजन लेमा, हमें दिखाना है कि एक पॉजिटिव जो कि पॉजिटिव इंटीजर्स है उसको क्यूब चढ़ाना है और उसको हमें किसके फॉर्म में लाना है, qm+1 और qm+8 के फॉर्म में होना चाहिए वो, जब इसको हम क्यूब चढ़ाएंगे। तो अब लेट सॉल्यूशन में लिखते हैं, लेट ए बी ए पॉजिटिव इंटीजर, एक हम ए जो पॉजिटिव इंटीजर है और बी इज इक्वल टू 3, b3 अकाउंट क्वेश्चन के हिसाब बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब देखते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है। यूक्लिड डिवीजन लेमा है हमारा a इज इक्वल टू bq+r। अगर हम देखें b हमारा 3 है तो पुट करेंगे 3 तो क्या आएगा, a इज इक्वल टू 3q+r। r कंडीशन में है वो देखते हैं क्या, वायर r इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, लेस देन किसके बी के होना चाहिए, लेस देन बी से होना चाहिए। और अब देखते हैं आर के कौन कौन से पॉसिबल वैल्यूज हैं। अगर आर देखेंगे पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर, अगर हम देखेंगे ग्रेटर आर इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर या ग्रेटर 0, तो 0 भी आएगा। लेस देन बी, बी से अगर देखें बी 3 है तो लेस देन बी से आएगा 1 और 2, वही आया लेस देन बी से। तो अब पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर, ये तीन वैल्यू हमें पुट करने हैं अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा के। तो पहले लेंगे व्हेन आर इज 0, पहले 0 लेंगे, आर इज 0 तो क्या आएगा, ए इज इक्वल टू बी क्यू 3q+0 आएगा। ए हम लिख सकते हैं ए से भी 3q। अब क्या है क्वेश्चन के हिसाब देखेंगे, क्वेश्चन कहता है कि जो पॉजिटिव इंटीजर्स है उनको क्यूब चढ़ाना है, तो ये हमें पॉजिटिव इंटीजर्स है, ए पॉजिटिव इंटीजर किसके बराबर 3q के बराबर, इसी में क्यूब लगाना है, क्यूब लगाना है बहुत सही, क्यूब ऑन बोथ साइड क्यूब लगाना है इसको, तो क्या आएगा ए क्यूब इज इक्वल टू 3q³ आएगा। ए क्यूब भी है इज इक्वल टू, अगर क्यूब 3 × 3 3 times 3 है, 3 × 3 × 3 वो किसके बराबर है, 27 के बराबर, और q³ है, क्यू को क्यूब ही रहेगा पावर में। तो अगर हमें लाना है इस फॉर्म में 9m के फॉर्म में, तो हम लिख सकते हैं 3q इज इक्वल टू 9 × 3 9 × 3 = 27 क्यूब, तो वो वापस आएगा 27 9 q के बराबर। तो हम लिख सकते हैं इसके बदले, हम लिख सकते हैं यहाँ पर और एक स्टेप, ए क्यूब इज इक्वल टू 9m, वायर m इज इक्वल टू 3q³ इज, ये एक इंटीजर है, इज एन इंटीजर, हमने 9 इसके बदले लिया 3q³ के बदले, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा भी m इज बराबर 3q³, ये एक इंटीजर है, तो फर्स्ट हमने किया। अब दूसरा है, दूसरा यहाँ पर करेंगे व्हेन 1 इज r इज 1, व्हेन r इज 1, जब r 1 होगा तो ये इस कंडीशन पे हमें डालना है रिमाइंडर का 1 वैल्यू, तो क्या आएगा a इज इक्वल टू 3q+ रिमाइंडर 1 आएगा। अब क्वेश्चन पढ़ना है तो इसी के हिसाब से हमें क्यूब चढ़ाना है, अब इसको क्यूब ऑन बोथ साइड्स इस इक्वेशन को, तो क्या आएगा a क्यूब इज इक्वल टू 3q+1³ आएगा। अगर यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर फॉर्मूला है क्या है, वो है अगर देखेंगे यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब है, वो हम ये भी इसकी ये हम अगर इसको स्प्लिट करेंगे फार्मूला लिखेंगे तो ये है इसके बराबर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 a² प्लस
3a b² इस फार्मूले में लिख सकते हैं ये भी। तो क्या लिखेंगे, a³ है इज इक्वल टू a के बल्ले आया जो कि a³ लिखना है, a³ के बल्ले हम लिख सकते हैं 3q³ प्लस 1q³, क्योंकि यहाँ पर b³ है तो 1³ आएगा इसके बदले, प्लस 3 a के बदले आएगा 3q² फार्मूला हिसाब। तो b क्या है 1 प्लस है 3 फार्मूला है और a है इंटू 3q, a 3q है और मल्टीप्लाई बाई 1² तो इसको आप पहले और सब्ट्रैक्ट और जहाँ पर क्यूब है उसको भी वहाँ पर सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करते हैं a³ के बराबर है इज इक्वल टू 3×9³ वो किसके बराबर है 27q³ प्लस 1³ वन के बराबर है और यहाँ पर स्क्वायर है क्यूब, इसको स्क्वायर है a को, तो इस पहले इसको सॉल्व करते हैं वो क्या बन जाएगा 9q² × 3 3×9 क्या आएगा वो भी 27q² आएगा, मगर प्लस आएगा 3×3 9q, 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, तो क्या आएगा 9q आएगा। यहाँ पर हम इंटरचेंज करेंगे थोड़ा, इस 1 को लास्ट में लाएंगे, a³ इसको यही चेंज होगा 1 लास्ट में लाएंगे 27q³ प्लस 27 9² प्लस आएगा 9q प्लस में लास्ट में 1 लाया। तब इसमें क्या है हमें दूसरी फॉर्म लाना, 9m हमने लाया यहाँ पर, अब दूसरा लाना है 9m+1 क्यों 1 आया लास्ट में, अब इसको चेंज करना है तो हम कामन निकालेंगे इसको a³ = 9 कामन निकालेंगे इसको 9 = यहाँ पर क्या आएगा 3q³ 9 × 3 27q³ प्लस यहाँ पर भी 27 है तो 3 आएगा 3q² आएगा, तो यहाँ पर 9 है तो क्यों ही खाली रह जाएगा और प्लस में लास्ट 1। तो यहाँ पर हम इसके बदले लिख सकते हैं ना m, क्योंकि ये इंटीजर है, क्या लिखेंगे फिर 9a³ = 9m, इसके बदले m लाया हमने जो कि ब्रैकेट में है, प्लस में आएगा 1, यहाँ पर हम लिखेंगे therefore वायर m इज इक्वल टू ये है 3q³ प्लस 3q² प्लस 9 इज एन इंटीजर, ये एक इंटीजर है जो कि हमने m लाया। तो अब लास्ट पार्ट है इसका, हमने जीरो जहाँ रिमाइंडर जीरो दिया वो भी सॉल्व किया, वहाँ 1 भी सॉल्व किया, अब लास्ट में है 2, वेन r इज 2 जब r 2 होगा तो तब कौन सा पॉजिटिव इंटीजर फॉर्म में होगा इन तीनों, ये दोनों हमने किया, अब लास्ट है जो कि 9m+8 ये फॉर्म लाना है, तो r हमें पुट करना है फिर 2, तो क्या आएगा यूक्लिड डिविजन लेमा a इज इक्वल टू ये फॉर्म 3q प्लस रिमाइंडर 2 है, तो अब क्या करना है इसको स्क्वायर चढ़ाना है क्योंकि क्यूब चढ़ाना है तो क्वेश्चन क्यूब के हैं, तो क्यूब भी लगाना है इसमें, उसके क्यूबिंग हम बोथ साइड्स क्यूबिंग करेंगे तो क्या आएगा a³ इज इक्वल टू 3q+2 होल क्यूब। एक बार ये हमने फार्मूला लिखी a+b का होल किसके बराबर है, तो वो है यहाँ पर और लिखते हैं a+b का होल क्यूब वो है a³ + b³ + 3a² + b 3ab प्लस है 3ab² इसके बराबर है a+b का होल क्यूब। तो अब इसमें पुट करते हैं यहाँ पर, तो क्या लिखेंगे a³ इज इक्वल टू पुट करते हैं वो a³ है a ये है 3q² क्यूब प्लस b है 2q³ यहाँ पर क्यूब है और प्लस में आएगा 3a² ए है 3q² आएगा मल्टीप्लाई में आएगा 2 प्लस में आएगा 3ab² 3a है 3q + b है 2²
तो ये फॉर्मूला हमने यूज किया, ए प्लस बी का होल क्यूब है। तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसको, क्या आएगा, ए क्यूब इज इक्वल टू थ्री इंटू थ्री, थ्री क्यूब है तो क्या आएगा 27 क्यूब है, प्लस में आएगा 8 क्योंकि 8 टू इंटू टू पावर क्यूब है तो वो 8 के बराबर है। अब आएगा यहाँ पर, अगर हम यहाँ देखते हैं इसको पहले स्क्वेयर करते हैं तो क्या आएगा 9 क्यूब स्क्वेयर, 9 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे 29 इंटू 3 27, 27 इंटू 2 तो आएगा 56 आएगा, 56 स्क्वायर आएगा क्योंकि स्क्वायर यहाँ पर था इस क्यूब को, प्लस में आएगा यहाँ पर स्क्वायर है इसका 2049 तो आएगा 36 क्यों बस क्यों स्क्वायर था 2 को। तो यहाँ पर 8 लास्ट में लाएंगे और उनको फिर कॉमन करते हैं वो यहाँ पर लिख, तो क्या आएगा ए क्यूब इज इक्वल टू 27 9 क्यूब क्यों क्यूब, प्लस में आएगा ये स्टफ 56 लिखेंगे दूसरा 56 क्यों स्क्वायर प्लस में 36 क्यों प्लस में लास्ट में 8 लिखेंगे क्योंकि 8 हमें ज़रूरत ही है इसमें, जो बाकी टर्म है उनको 9 और 8 ज़रूरत है और बाकी जो टर्म्स हैं इंटीजर्स पॉजिटिव इंटीजर्स उनको हम एम पुट करते हैं। तो ए इज इक्वल टू इसमें हम 9 कॉमन करेंगे तो फिर क्या बचेगा इसमें 3 क्यों स्क्वायर क्यूब प्लस 6 क्यों स्क्वायर 9 टू 6 56 स्क्वायर के बराबर है, प्लस में आएगा 4 क्यूब 9 टू 4 36 क्यूब और लास्ट में है प्लस 8। तो इसके बदले हम क्या लिखेंगे m, क्योंकि हमें m ज़रूरत है वो पॉजिटिव इंटीजर है, ए स्क्वायर ए क्यूब इज इक्वल टू 9 m प्लस 8, ये हमने थर्ड भी किया पॉजिटिव इंटीजर। तो हम लिखते हैं वायर, वायर m इज 3 क्यूब प्लस 69 स्क्वायर प्लस 4 क्यूब इज एन इंटीजर, स्क्वायर इज एन इंटीजर, ये इंटीजर है एक इंटीजर्स है। तो लास्ट में ये हमने तीनों किया प्रूफ, तो अब इसमें लिखते हैं कि जो कि हमें दिखाना था कि ये प्रूफ दिखाना था, तो इसमें थोड़ा लिखते हैं क्या, फॉर दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इज इन द फॉर्म फॉर्म ऑफ ये तीनों 9m कॉमा 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, ये हमें प्रूव किया हमने। तो ये हमें दिखाना कि जो कि अगर किसी पॉजिटिव इंटीजर पर हम क्यूब चढ़ाएंगे तो वो हमें किस फॉर्म में होना चाहिए 9m 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, ये हमने प्रूव किया। अगर चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो।